आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हेल्थ और मैं हूं प्रेरणा। तो आज हम बात करेंगे कि अगर ये लक्षण दिखते हैं तो हो जाइए सावधान, कभी भी आ सकता है हीट स्ट्रोक, तुरंत करें ये काम। दोस्तों, मौसम में तेजी से बदलाव देखने को मिला है और कुछ ही दिनों में गर्मी बहुत ज्यादा हो गई है। हीट स्ट्रोक को पहचानने के लिए इसके लक्षणों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, मगर इससे भी पहले हीट एग्जॉशन होता है जिसे ठीक ना करने पर कभी भी हीट स्ट्रोक आ सकता है। तो आइए इन लक्षणों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले आइए जानते हैं कि गर्मी से हीट एग्जॉशन कैसे होता है। जब गर्मी के कारण शरीर से काफी ज्यादा पानी और नमक निकल जाता है तो हीट एग्जॉशन होता है। इसका खतरा बुजुर्ग, हाई ब्लड प्रेशर के मरीज और गर्मी धूप में रहने वाले लोगों को ज्यादा होता है। हीट स्ट्रोक से पहले दिखते हैं हीट एग्जॉशन के ये लक्षण: सिर दर्द, जी मिचलाना, सिर घूमना, कमजोरी, चिड़चिड़ापन, प्यास लगना, अत्यधिक पसीना निकलना, शरीर का तापमान ज्यादा होना, पेशाब कम निकलना। तो तुरंत करें ये काम। अगर आप बहुत देर से धूप या गर्म हवा के बीच में हैं और हीट एग्जॉशन के कोई भी लक्षण दिख रहे हैं तो तुरंत छांव में चले जाएं, वहां बैठ जाएं और नॉर्मल से थोड़ा ठंडा पानी पिएं। शरीर का तापमान नॉर्मल आने तक कोई भी काम करने से बचें। आम भाषा में हीट स्ट्रोक को लू लगना कहते हैं। इसमें शरीर खुद को ठंडा नहीं कर पाता है और 10 से 15 मिनट में बॉडी टेम्परेचर 106 डिग्री फारेनहाइट तक पहुंच जाता है। अगर इस स्थिति में आपातकालीन चिकित्सा नहीं मिलती तो जान का खतरा हो सकता है। हीट स्ट्रोक के होते हैं ये लक्षण: कंफ्यूजन, साफ ना बोल पाना, शरीर बहुत ज्यादा गर्म होना, बहुत पसीना आना, दौरे आदि। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि हीट स्ट्रोक आने पर क्या करें? इस समस्या में तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए। मरीज को ठंडे और धूप से दूर जगह पर ले जाएं। संभव हो तो बर्फ के पानी से नहलाएं। त्वचा को गीला करें। त्वचा पर ठंडा गीला कपड़ा रखें। मरीज के आसपास हवा रखें। सिर, गर्दन, बगल और जांग पर गीला कपड़ा रखें। इसी के साथ ऐसे और हेल्दी टिप्स जानने और सुनने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज हेल्थ। धन्यवाद।